पिछले क्लास में हमने सीखा था वू की मात्रा। वू की मात्रा से बने शब्द नए से मात्रा और इस्तेमाल करके नए शब्द बनाना मैंने आपको कहा था। आज हम सीखेंगे अक्षरों को अलग करके लिखना। अभी कुसुम को अलग करके लिखना होता है। कैसे अलग करके लिखना है आपको एक दो सिखाऊं, ठीक है? कुसुम, इसको अलग करके लिखना है। उ की मात्रा स, अधिक उ की मात्रा म, यहाँ पे कुसुम, यह पूरा अलग करके लिखें। अलग करके लिखो, ठीक है? दूसरा वाला जो है वो है रुमाल। रुमाल, र अधिक उ की मात्रा, म अधिक आ की मात्रा, ल अधिक अ की मात्रा। अ की मात्रा नहीं लगाई जाती तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है? रुमाल। तीसरा वाला जो है चुपचाप, च उ की मात्रा, प अधिक च अधिक आ की मात्रा, प चुपचाप, चुपचाप। इस तरह से मैं आपको नए वर्ड्स देती हूँ, उसको आपको अलग करना है। चलिए, दू का न, इसको आप अलग करके लिखिए, ठीक है? दुकान आप अलग करके लिखिए। पांचवा वाला जो है कुरसी, छठा वाला जो है गुलाब, यहाँ तीन आपको अलग करके लिखना है। यह हो गया आपका होमवर्क। अभी आगे हम लिखेंगे अक्षरों को जोड़ कर लिखना, उसी तरीके से इसको जैसे स्प्लिट किया है उसको ही जॉइन द लेटर्स करके लिखना सीखेंगे। नाउ जॉइन द लेटर्स, अक्षरों को जोड़कर लिखो, ठीक है? अक्षरों को जोड़कर लिखो। पहला देखो, क आदि उ की मात्रा ल, तो यहाँ पे क्या है कुल, कुल। दूसरा वाला जो है ग, उ की मात्रा ल कुल, यस हेलो गुल, हाँ ठीक है जानकारी कौन, ठीक है? तीसरा वाला कुल, प उ की मात्रा ल कुल, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे फिर से मैं वर्ड्स दे दूंगी आपको जो है नए वर्ड्स। लूट, सुनिए
ठीक है, इसको आपको जोड़कर लिखना है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम सीखेंगे अगले क्लास में बड़ी ऊ की मात्रा। अभी आपको क्या करना है, ये पूरा ओ की मात्रा, आ की मात्रा और ई की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ये पूरा आपको क्लास वर्क में ठीक तरीके से उतारना है। जो है बड़ी ऊ की मात्रा हम अगले क्लास में सीखेंगे, तब तक के लिए आपको क्लास वर्क कंप्लीट करना है। धन्यवाद।